आज जिसने झारखंड बनाया, झारखंड के लोगों का दर्द, झारखंड के लोगों का तकलीफ दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बल्कि दूसरे लोगों ने तो सिर्फ कमाने के लिए काम किया, लूटने के लिए कर रहे हैं। आज इस राज्य में आप देखिए, जब अलग राज्य बना, हम भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, हमें भी 2.5 वर्षों तक इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिला था, यहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था। तो उस वक्त काम कितना हुआ मैं उसको यहाँ बखान नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग शांत थे। लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से विधायक है, वो क्या कर रहे हैं? लूटने में लगे हुए हैं, पत्थर को लुटवा रहे हैं, कोयला को लुटवा रहे हैं, बालू को लुटवा रहे हैं, जमीन को लुटवा रहे हैं। आप बताओ, जो लूटने में लगा है, पूरा खानदान लगा हुआ है, पूरा परिवार लगा हुआ है, तो हमारी रात की वो भला कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, आप सबको संकल्प लेना है, और बरहेट वासियों को तो और अधिक संकल्प लेना है, क्योंकि तो यहाँ से इस सरकार ने हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंकना है, तभी संथाल परगना का विकास होगा, तभी यहाँ के आदिवासियों का विकास होगा, तभी यहाँ के संथालों का विकास होगा, तभी यहाँ तक का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा। जी जो संकल्प यात्रा पे चले हैं 2023 के लिए, ये संकल्प यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, कल्याणों से जनताओं का समस्या जो कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है, और जमीनी स्तर तक में जितने गरीब कल्याण के बीच में काम होना चाहिए वो बारीकी से काम हो। बहुत दुख की बात है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, अलग होने के बाद इतने लुटेरे सरकार जो लूट रहे हैं, जो कि गरीब के बीच में, जनताओं के बीच में गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं हैं जो कि धरातल तक पहुंचना चाहिए, वो कल्याणकारी योजना धरातल तक नहीं पहुंच पाया। एक उदाहरण मैं सामने दे रही हूँ, अभी जो जल मीनार का जो काम हो रहा है, ये जल मीनार का काम कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है, जो कि इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में एरिया के लोग इतने पानी के लिए विवश हो गए, इतने तरस गए। तो ये जो जलापूर्ति योजना जो चल रहा है, टंकी बैठा के उन्हें पानी की सुविधा देके, कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। सिर्फ रोड किनारे वाला टंकी कुछ पानी निकल रहा है, अगर साइड जितना एरिया चलिएगा कहीं भी पानी, कहीं भी टंकी सक्सेसफुल नहीं है। तो हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी, ये जो संकल्प यात्रा के लिए निकले हैं, जितने भी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जितने भी केंद्र और की योजनाएं हैं, स्टेट की जो योजनाएं हैं, जो कि जनताओं को नहीं मिल रहा है, उन्हें हर जनताओं तक, जमीनी स्तर के जनताओं तक डोर टू डोर इस योजना का लाभ मिले, हर लाभ मिले, और एक भी लोग उस योजना से वंचित न रहे, यही मेन मकसद है हमारे संकल्प यात्रा का। इतना है, जय हिंद जय झारखंड। ठीक है, लेकिन जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति आप यहाँ जो बोल रहे हैं, अभी अपने उद्बोधन में माननीय बाबूलाल जी ने कहा है, हमने सुना, उन्होंने कहा है कि सोच समझ के, जमीन मेरा, जमीन जो जहाँ के लोग हैं, जमीन आपका है, और सोच समझ के किसी को बसाने की ज़रूरत है। अगर आप अभी नहीं सोच, बिना सोचे समझे किसी को बसा रहे हैं, तो कल के दिन आप ही को दिक्कत होने वाला है, आप ही का बच्चा को दिक्कत होने वाला है। तो उन्होंने इशारे इशारे में सारी बातें कह गए। निश्चित रूप से देखिए, सरकार का जो तंत्र है उनको जांच करना चाहिए, लेकिन चूंकि अगर हम ही प्रश्रय दे रहे हैं तो अभी कौन जाँच करेगा? जांच जो कमेटी है वही उनके साथ मिले हुए हैं। तो हम लोग यही सही बात बता रहे हैं कि आप सावधान हो जाओ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।